Hi guys, welcome back to the channel and welcome to another video. So it's been 2 months since I got my braces on and आज मैं इस वीडियो में अपनी सेकेंड मंथ की अपडेट ही शेयर करने वाली हूँ. तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वीडियो एंड तक देखना एंड अगर आपको अच्छा लगे देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो गाइज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी इमेजेस शेयर करूँगी. तो एक इमेज है मेरी जब मैंने इनिशियली ली थी ये प्रोसेस बिगिन करने से पहले एंड ये सेकेंड इमेज मैं आपको जो बता रही हूँ इट्स गोइंग टू बी अबाउट माई इम्प्रूवमेंट विद इन 2 months. तो आप देख सकते हो क्लियरली कि मेरा एक जो फ्रंट वाला दांत है इट हैज़ मूव्ड क्वाइट अ बिट एंड वो थोड़ा सा ओवरलैपिंग था तो वो मूव होकर अलाइन हो चुका है काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट 90-95% तक अलाइन हो चुका है. सो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि विद इन 2 months क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके दांतों में. सो गाइस मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे लास्ट वाली अपॉइंटमेंट में मेरा दांत का एक्सट्रैक्शन होगा एंड प्लस मेरी जो वायर होगी वो थोड़ी थिकन कर दी जाएगी. बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा चेंज है अभी प्लान में. इट्स बिकॉज अभी मेरा एक दांत तो एक्सट्रैक्ट ऑफकोर्स होना ही है, उसकी अपॉइंटमेंट अभी 1-2 weeks के अंदर रखेंगे डॉक्टर. बट अबाउट द थिकनेस ऑफ द वायर वो इस अपॉइंटमेंट में अब तक नहीं मोटी की या उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए. इट्स ओनली बिकॉज हमें पता चला कि मेरी एक पुरानी कैविटी थी जो मेरे विजम टूथ के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे ऑफकोर्स विजिबल थी बट डॉक्टर्स वो कन्फ्यूज कि वो दांत एक्सट्रैक्शन में डाल देंगे या वो दांत वहीं पर रहेगा. तो इसीलिए नाउ दे हैव डिसाइडेड कि वो लोग उसको कैविटी फिलिंग कर देंगे, उसके एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं है. सो मेरी जो फिलिंग की अपॉइंटमेंट है इट्स गोइंग टू बी टुमारो एंड देयरफॉर मैं वो वाला प्रोसीजर भी फिल्म करके आपके साथ शेयर कर दूंगी. गाइस एज यू कैन सी इन दिस फुटेज आप देख सकते हो कि इस अपॉइंटमेंट में मेरे दांत थोड़े से टाइटन किए गए थे एंड ऑल्सो मेरे जो इलास्टिक के बैंड्स हैं वो रिमूव करके रिप्लेस किए गए थे. इट्स बिकॉज मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था उनको चेंज करने के लिए बिकॉज आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि वो सारे बैंड्स थोड़े ग्रीनिश पड़ गए थे एंड गाइस मैं थोड़ा सा फ्रीक आउट हो चुकी थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये बैंड्स ग्रीनिश क्यों दिख रहे हैं. तो उन्होंने मुझे बताया कि सिंस वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ कलर्ड फूड जैसे कि हल्दी हो गया, करी हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग कंज्यूम करने से वो बैंड्स थोड़े से डिसकलर्ड हो जाते हैं एंड दैट्स वाई यू स्टार्ट नोटिसिंग दैट कलर चेंज. सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड भी हो ना तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन से इलास्टिक के बैंड्स अवॉइड करने चाहिए एंड कौन से लगाने चाहिए बिकॉज आई मतलब हैव अ फेयर आइडिया अबाउट इट. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. गाइस नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मंथ, उसमें मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि प्रॉब्ली मुझे कॉन्क्रीट ब्लॉक्स लगाए जाएंगे एंड जो लोअर ब्रेसेस हैं वो भी लगाए जाएंगे प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, दैट्स वॉट दे हैव टोल्ड मी. सो वो भी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड आई विल शेयर द डिटेल वीडियो कि कैसी थिकनेस वायर की यू नो वो इंक्रीज़ करेंगे वगैरह. बट एक और चीज़, मैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिपीट कर चुकी हूँ मेरे पिछले 2 वीडियोज़ में भी कि अगर आप चाहते हो कि आपके कोई भी मिसकंसेप्शंस हो या आपको कोई भी इश्यूज़ हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. मेरे डॉक्टर ने अग्री किया है कि वो एक Q&A वीडियो बनाएंगे एंड दे वुड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस देमसेल्व्स. तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दोज क्वेश्चंस टू. एंड ऑल्सो गाइज एक टिप देना चाहूँगी कि इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू यूज़ अ हार्ड टूथब्रश देन प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दोज बिकॉज आई नोटिस्ड जब मैं मेरे दांत हार्ड टूथब्रश से घस रही थी तब वो उसके ब्रिसल्स अटक जाते हैं ब्रेसेस में एंड वो निकल जाते हैं. तो ऐसा ना हो जाए कि आप स्वॉलो कर दो. तो प्लीज़ डोंट यूज़ एनी हार्ड ब्रिसल्स वाला टूथब्रश, ट्राई एंड यूज़ अ सॉफ्ट ब्रश. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो हियर अबाउट योर अपडेट्स एज वेल बिकॉज आई नो क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो मी हियर उन्होंने मुझे मैंशन किया था कि उनको मेरे अपडेट्स जानने हैं एंड सिमिलरली मुझे आपके भी अपडेट्स जानने हैं. आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू. सो गाइज वंस अगेन आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.